कौन इसे यूज करता है, किस प्रकार ये यूज में लाया जाता है, या फिर एचएस कोड किसके द्वारा बनाया गया है और कौन कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है, किस प्रकार इस्तेमाल कर सकता है, आज इसी टॉपिक के बारे में, यानी हार्मोनाइज सिस्टम कोड क्या है, कैसे यूज होता है, किसके द्वारा बनाया गया है और कहां-कहां यूज होता है, आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अमरजीत चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल एग्जिम मंत्रा में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एचएस कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड। देखिये, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जब आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं तो वहां पर पता नहीं दूसरी कंट्री में क्या आपके प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है क्या नहीं। या एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि इंडिया में चावल को, हमारी इंडिया में चावल को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, या फिर कोई भी चीज ले लीजिए। देखिए, हमारे जो इंडिया के अंदर है 100 से भी ज्यादा की लैंग्वेज बोली जाती है। उड़ीसा में अलग चले जाइए, मद्रास में अलग होगी, बंगाल में अलग होगी, अपना महाराष्ट्र में अलग होगी, यूपी में अलग होगी, पंजाब में अलग, उत्तराखंड में अलग। तो मतलब कहने के ये कि जो चीज आपके उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलर नाम से बोली जा रही है, जरूरी नहीं है कि वो उत्तराखंड में अलग उसी सेम ही नाम से बोली जा रही हो, या पंजाब में सेम हो, या फिर मणिपुर में, या मिजोरम में, या फिर आपके केरला में, मतलब कि इंडिया के किसी भी कोने में चल जाइए। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज आपकी आपकी कंट्री, आपके स्टेट में, आपके जिले में बोली जा रही हो, वो दूसरे स्टेट में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी सेम नाम से बोली जाती हो, पुकारी जाती हो। तो दोस्तों, जब बात इंडिया की हो रही है तो यहाँ तो हिंदी भाषी है, मैक्सिमम हिंदी लोग यूज करते हैं। अब बाहर की कंट्री में इससे भी ज्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती हैं। तो कहना ये चाहता हूं मैं कि जब आप किसी प्रोडक्ट को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री में, तो वहां की कंट्री में आपके प्रोडक्ट को किस नाम से बोला जाता आपको नहीं पता, वहां की गवर्नमेंट को नहीं पता, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता कि भाई इस पर्टिकुलर चीज को कैसे क्या बोला जाता है। तो इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने 1983 में एचएस कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड को क्रिएट किया। अब इस एचएस कोड के द्वारा गवर्नमेंट करने क्या लगी, या मतलब ये ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने क्या किया कि अगर आप चावल, एग्जांपल ले लेते हैं कि चावल को आप जापान में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और वहां के बंदे को जो चावल को वहां पर बोला जाता है आपको नहीं पता वहां पर क्या बोला जाता है, तो आप तो जो एफओबी बना होगा चावल का हिसाब से, राइस के हिसाब से करोगे। अब उन्हें क्या पता कि आपके चावल, उनके वहां पर जो पर्टिकुलर चावल का नाम है उसे इंडिया में क्या बोला जाता है। तो इन्हीं सभी उलझनों को, इन्हीं सभी चीजों की टेंशन को खत्म करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एचएस कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड को क्रिएट कर दिया 1983 में। अब इस एचएस कोड के द्वारा गवर्नमेंट को क्या क्या फायदे होते हैं और किस तरीके से यूज होता है, आज मैं आपको इसी चीज के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों, पहली चीज होती है कि एचएस कोड की जरूरत क्यों पड़ी। एचएस कोड की जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों कि जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने लगे आउट ऑफ इंडिया, जब आउट ऑफ इंडिया आपने एक्सपोर्ट किया तो वहां पर पता नहीं है आपके प्रोडक्ट जो आपने भेजा है वहां पर क्या लैंग्वेज यूज होती है, उस पर्टिकुलर वर्ड क्या है उस प्रोडक्ट का, तो इससे क्या वहां पर टेंशन होगी। अब एक तो ये तो चीज होगी कि पता नहीं क्या पैकिंग के अंदर क्या प्रोडक्ट भेजा हुआ आपने, ये नहीं समझ आया उन्हें। दूसरी चीज जो टैरिफ लगता है, टैरिफ लगता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, जब प्रोडक्ट ही समझ नहीं आया तो टैरिफ कैसे लगाएंगे भाई। टैरिफ ड्यूटी तभी तो लगेगी जब उन्हें प्रोडक्ट की जानकारी होगी कि इस पैकिंग के अंदर या इस कंटेनर के अंदर पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट है, तो दूसरी चीज होगी टैरिफ। अब तीसरी चीज ये आ गई कि जो आपने प्रोडक्ट भेजा है वो किस फॉर्म में है, रॉ मेटेरियल में है, पॉलिशिंग में है, फर्निशिंग में है, तो समझ ही नहीं आएगा। तो इन सब चीजों के लिए एचएस कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड की जरूरत पड़ी। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, ये कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने ये तो कर दिया कि एचएस कोड को क्रिएट कर दिया। अब एक सपोर्ट तो हमें क्या मिलने लगी कि जो भी हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे थे या इंपोर्ट कर रहे थे उसका एक पर्टिकुलर कोडिंग हो गई, ठीक है सर। तो एक तो हो गई पर्टिकुलर कोडिंग कि भाई आपके इस जो आपका मैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हैं उसकी कोडिंग ये होगी, स्टार्टिंग से कोडिंग ये होगी। अब लाइव एनिमल से, लाइव एनिमल की कोडिंग क्या है, 01 से स्टार्टिंग है, वो मैं भी आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से कोडिंग की जाती है या किस तरीके से गवर्नमेंट ने कोडिंग रखी हुई है। तो देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया कि 21 सेक्शंस के अंदर
आपके हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड को क्रिएट कर दिया। और 21 सेक्शंस के अंदर आपकी गवर्नमेंट ने मतलब वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने 97 चैप्टर्स रख दिए। देखिए चैप्टर्स तो है वैसे 99, पर क्या गवर्नमेंट ने नेशनल यूज के लिए 98 और 99 को नेशनल यूज के लिए छोड़ दिया है, बाकी पब्लिक सेक्टर और पब्लिक यूज के लिए 97 चैप्टर्स आपके सामने मिलते हैं जब भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। अब 21 सेक्शन हो गए आपके, 21 सेक्शन हो गए, 97 प्लस 98, 99 आपके चैप्टर हो गए। उसके बाद दोस्तों सब हेडिंग हो गई आपकी 1244, यानी कि 1244 सब हेडिंग हो गई, और सॉरी हेडिंग्स हो गई आपकी 1244 और सब हेडिंग हो गई आपकी 5224। ठीक है दोस्तों, तो 5224 टाइप आपके जो प्रोडक्ट है उसकी जो टाइप्स हो गए, मतलब कि पॉलिशिंग है, अनपॉलिश है, रॉ है, कच्चा माल है, ये पॉलिशिंग नहीं है, या फिर इस पे फर्निश करके उसको नहीं दिया गया। अब दाल है, दाल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दाल को आइडेंटिफाई उसका पर्टिकुलर आपका चैप्टर निकाल लिया, उस चैप्टर के अंदर उसकी हेडिंग निकाल ली कि भाई दाल जो है ये चने की दाल है, और चने की दाल का हेडिंग निकाल के उसके बाद चने की दाल पॉलिश है या अनपॉलिश है, इस चीज की भी सब हेडिंग डाल दी कि भाई ये अनपॉलिश है और ये पॉलिश है। इस तरीके से आपकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया गया। तो एक तो ये हो गया आपका फायदा कि जब HS कोड को लागू किया गया तो उससे ये हो गया कि आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ये कोडिंग है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इस तरीके से लगभग 200 कमोडिटीज के अंदर, यानी 98% कमोडिटीज जो है का जो ट्रेडिंग होती है या ट्रेड होता है वो HS कोड के ही द्वारा होता है। तो उन सारे के सारे 200 कंट्रीज के अंदर लगभग सभी के अंदर ये कोडिंग हो गई कि अगर 01 या मतलब जो भी पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट है उस कोडिंग में कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो उससे समझ जाइए कि आपने ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है या ये इंपोर्ट किया है। तो एक तो हो गई कोडिंग आपकी, मान लिया लाइव एनिमल्स में 01 हो गया, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 01 की कोडिंग से कोई भी समझ जाएगा, जो भी कस्टम डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन बैठी होगी कस्टम में वो समझ जाएंगे कि जो 01 से कोडिंग हो रही है इसका मतलब लाइव एनिमल्स की इंपोर्टेशन या एक्सपोर्टेशन होने वाली है या हो रही है। तो एक तरीके से तो आपका ये क्लियर हो गया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कोडिंग होगी, प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कोडिंग रख दी। तो कोडिंग सेक्शन 21 के अंदर 21 सेक्शन हो गए, उसके अंदर आपकी कोडिंग होगी, चैप्टर हो गए 97 और चैप्टर के अंदर मेन जो हो गई हेडिंग वो हो गई 1244 और मेन 1244 हेडिंग्स के अंदर 5224 सब हेडिंग्स हो गई। तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने वर्गीकरण कर दिया, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण दोनों चीज गवर्नमेंट ने कर दी। अब तीसरी चीज आती है कि इस HS कोड के द्वारा टैरिफ वैल्यू कैसे लगती थी। तो जब प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन हो गई तो गवर्नमेंट ने जो है अपना कस्टम डिपार्टमेंट ने कस्टमर वालों ने पर्टिकुलर कोड प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर टैरिफ वैल्यू फिक्स की हुई है। तो जब कोडिंग आ गई आपके पास तो उस पर टैरिफ वैल्यू भी क्लियर हो गई कि भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस पर्टिकुलर कोडिंग के ऊपर इतनी टैरिफ वैल्यू लगेगी। तो दूसरी चीज जो है ये हमारी जो गवर्नमेंट की समस्या थी, कस्टम वालों की समस्या थी वो हल हो गई कि आपके प्रोडक्ट की कोडिंग पता चल गई कि प्रोडक्ट का कोड क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है। दूसरी चीज उसके कि इस पर कितनी टैरिफ वैल्यू लगेगी ये क्लियर होगी। तीसरी चीज उसको आइडेंटिफाई हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि आप जब प्रोडक्ट को इलीगल तरीके से स्मगलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कोडिंग हो गई और आप कस्टम वाले ने जब इंस्पेक्शन किया तो उसमें अगर कोई और आपने कोडिंग तो कुछ और लगाया हुआ है और माल कुछ अंदर और डाला हुआ है तो वो पकड़ा जाएगा वहां पर। तो एक इस तरीके से इलीगल एक्टिविटी जो चल रही थी वो भी बंद हो गई है। अब बात आती है दोस्तों के ये जो कुछ वेवर्स मिले हुए हैं कस्टम के द्वारा या नहीं मिले हुए, इस तरह की भी कुछ चीजें हैं वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखिए जब 1,50,00,000
यानी 1.5 करोड़ तक की जब आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट चीज कर रहे हैं, अगर वो 1.5 करोड़ से नीचे की है तो आपको सिर्फ 2 डिजिट की कोड यूज करनी होगी। 2 डिजिट यानी कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका सिर्फ कोड यूज करना है कि भाई ये कोड है, यानी कि ये प्रोडक्ट है और ये मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप 1.5 करोड़ तक से नीचे की एक्सपोर्ट या इम्पोर्टेशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 डिजिट यूज करने होंगे। अगर आप 1.2 यानी 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच की कोई भी चीज एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपको 4 डिजिट यानी कि आपका मेन कोड प्लस उसका क्लासिफिकेशन वो यूज करना होगा, 4 डिजिट यूज करनी होगी। और अगर आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में 5 करोड़ से ऊपर कोई भी प्रोडक्ट इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करें तो आपको 8 डिजिट का कोड यूज करना होगा। ये सब आपका CHA बता देगा कि किस पर्टिकुलर कोड पे कैसे क्या लगता है। तो ये तो हो गया हमारा कि किस तरीके से क्या चीज लग रही है हमारे प्रोडक्ट पे, कौन सा कोडिंग बैठेगी या कौन सा HS कोड हमारे प्रोडक्ट का होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया ऐसे। अब HS कोड निकालते कैसे, प्रोडक्ट का HS कोड फाइंड आउट कैसे। तो दोस्तों देखिए, अब हम गूगल पर जाकर सर्च करेंगे cybex.in। ये एक साइट है जो हमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का डाटा प्रोवाइड करती है वर्ल्ड वाइड। मतलब आप किसी भी कंट्री का डाटा ले लीजिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डाटा उठा लीजिए, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। बस यहाँ पर आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन भी कुछ हद तक फ्री में है और HS क्लासिफिकेशन पर गए जैसे अभी आप, उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे राइज। ये देखिए पूरे चैप्टर दिए हुए हैं, HS कोड दिया हुआ है उनका, आपका व्यू इंपोर्ट ड्यूटी भी देख सकते हैं कि आप इंपोर्ट जो चीज़ करें उस पर कितनी ड्यूटी लगेगी। रबर में सेक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, सब्स्टिट्यूट हैं इसके। तो कहने का मतलब ये कि आपके सेक्शन 21 में जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, 97 प्लस 98 और 99 इंटरनेशनल यूज के लिए, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का HS कोड निकाल सकते हैं विद हेडिंग और सब हेडिंग और टैरिफ ड्यूटी के साथ। तो मैं यहाँ राइस डाल देता हूँ एक बार। अगर मैं राइस को फाइंड आउट करूँगा, राइस का HS कोड निकालना चाहूँगा तो वो कैसे निकलेगा, अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ टाइप किया राइस। अब राइस के डिटेल्स आनी, देखिए इस पर कर लेते हैं एक्सपोर्ट शिपमेंट डाटा। अब यहाँ पर जितना भी महीने के, एक महीने के अंदर जितना भी राइस एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से बाहर, वो सारा का सारा डेटा आ जाएगा विद HS कोड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए साइड में यहाँ पर व्यू इम्पोर्ट ड्यूटी भी है। आप देख सकते हैं कि किस चीज़ आपके जो राइस आप इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर क्या ड्यूटी लगेगी। और इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का HS कोड निकाल सकते हैं और साथ के साथ आप जो है उस पर पूरा डाटा देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ पर कितना कौन सा प्रोडक्ट कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। ये देखिए HS, ये इसका 01 चैप्टर है, 06 इसका हेडिंग्स हैं। तो HS कोड आप देख रहे हैं 25 नवंबर 2016 से ये डाटा दिया गया है इसमें। और देखिए यूनाइटेड स्टेट में 19,504 टन का एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से। ये आपका HS कोड हो गया और राइस का। और हम इसमें देख लेते हैं आगे नीचे। जी जी, तो ये आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, HS कोड है, किस डेट को माल कितना आपका एक्सपोर्ट हुआ है, किस कंट्री में हुआ है, किस क्वांटिटी में, यूनिट्स किलोग्राम में दी हुई हैं, आपका प्राइस भी है साथ के साथ। तो आप यहाँ पर साइबेक्स के माध्यम से किसी भी कंट्री का डाटा उठा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डाटा ले सकते हैं कि कहाँ से किस कंपनी का या क्या माल, क्या प्रोडक्ट, किस ब्रांड का कितना एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। आप इसमें 6 महीने का भी निकाल सकते हैं, 1 साल का भी निकाल सकते हैं, 1 महीने का भी। तो ये मैंने जो निकाला है ये 1 महीने के आसपास का मिला निकाला है, आप देखते रहिएगा। और इटली थाईलैंड जापान, थाईलैंड अमेरिका,
आपका 23,358 किलोग्राम एक्सपोर्ट हुआ है, 50,000। ये देखिए डाटा नहीं दिया हुआ है, वाइड लॉन्ग ग्रेन जो राइस है वो एक्सपोर्ट हुआ है 50,000 किलोग्राम्स था वो शायद। और यहाँ मैं फाइंड आउट कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको एक्चुअली के एक्सपोर्ट डाटा और इंपोर्ट डाटा यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर पूरी ब्रीफिंग है इसकी, आपके किस ब्रांड का है, कितना क्वांटिटी उसका हुआ है, ये 20,000 किलोग्राम्स हुआ है आपका। एसेसबल वैल्यू INR रुपीस के अंदर दी हुई है, 19,000, 1,00,000, 1,00,000 किलोग्राम, गुड। कंट्री नहीं दी हुई है इसमें, कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। और देखते हैं क्या क्या आपका हमारे काम की चीज निकल सकती है यहाँ पर। ये एक्चुअली HS कोड तो दिखा ही रहा है, देखिए HS कोड के साथ साथ ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट है, किस ब्रांड का है और कैसे हुआ है, किस कंट्री को हुआ है, कितनी क्वांटिटी में हुआ है, साथ ही साथ उसकी INR वैल्यू भी शो कर रहा है। तो साइबेक्स मेरे जो जो हम लोग काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, हम ज़्यादातर साइबेक्स से ही इन सब चीज़ों को उठाते हैं और साइबेक्स का ही सपोर्ट लेते हैं। और साइबेक्स पे ही हम रजिस्टर्ड भी हैं, पेड मेंबर हैं हम साइबेक्स के। आप पेड भी नहीं ले तो आप फ्री में भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फ्री का डाटा यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। इतना तो डाटा आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा कि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए फॉरेन कंट्री के बायर्स और अपने यहाँ से इम्पोर्ट करने के लिए बाहर की कंट्री के सप्लायर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपको वहाँ की कंपनी अदर कंट्री का डाटा भी मिल जाएगा। तो आज के HS कोड आपने समझ लिया कि HS कोड कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है। इंडियन टैरिफ पर जाते हैं, आपको HS क्लासिफिकेशन है, सारा कुछ कह रहे हैं मतलब। तो दोस्तों आज हमने देख लिया कि यहाँ पर सेक्शन सब सेक्शन इम्पोर्ट ड्यूटी सारा कुछ यहाँ पर है। आप साइबेक्स से जाकर कुछ भी डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं, HS कोड के साथ साथ इम्पोर्ट ड्यूटी भी देख सकते हैं। आप फॉरेन कंट्री का बायर्स और एक्सपोर्टर का भी डाटा उठा सकते हैं, यहाँ से फ्री में मिल सकता है जो कि आपको। बस आपको ये करना होगा कि साइबेक्स पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पेड मेंबर बनना चाहते हैं तो पेड मेंबर भी बन सकते हैं और आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर भी यहाँ पर इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने सीखा कि HS कोड यूज कैसे होता है, किसके द्वारा इसको क्रिएट किया गया, कब क्रिएट किया गया और किस किस कंट्री या फिर कैसे इसको यूज में लाया जाता है। और इसके साथ साथ हमने HS कोड निकालना भी देखा कि हम अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को HS कोड या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का HS कोड कैसे निकालेंगे, इसका यूज कैसे किया जाता है, ये भी आपने आज सीख लिया। और पर्टिकुलर HS कोड निकालने के बाद उस पर कितनी टैरिफ वैल्यू लगेगी, ये भी आज के हमने ट्यूटोरियल में सीखा है। तो दोस्तों मैं आपको इस तरह की अलग अलग तरीके से यूट्यूब के माध्यम और अपने चैनल एग्जाम मंत्रा के माध्यम से अलग अलग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर और जो वीडियो देता रहता हूँ, आपकी जानकारी देता रहता हूँ। अगर आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की फुल ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे नंबर 9999-1738-807-607-8040 है। आप हमारे गाजियाबाद सेंटर ट्रेनिंग सेंटर में आकर हमसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और सैटरडे संडे हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग देते हैं, क्लासेस चलती है हमारे यहाँ पर। तो दोस्तों और भी अगर वीडियो आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे फ्री में और वो भी हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो और हमारे ट्यूटोरियल से थोड़ा भी फायदा लगता है, आपको लगता है कि भाई इन वीडियो से हमें कुछ फायदा पहुंच रहा है, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी सुधार या किसी भी तरह का इम्प्लीमेंट या कोई भी आपको इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी करके मुझे बता सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर ये चीज समझनी आई है, ये चीज आपको समझनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए।